बचपन से लेकर अब तक हम ट्रांसजेंडर को लेकर तरह तरह की कहानियां सुनते आए हैं, पर शायद ही कभी उन्हें करीब से जानने की कोशिश की है। वो बात अलग है कि समय समय पर ट्रांसजेंडर की लाइफ पर फिल्में और सीरीज बनती रही है। काफी वक्त से नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म की भी चर्चा हो रही है। इंतजार खत्म हुआ है और फिल्म G5 पर रिलीज हो चुकी है। जानते हैं कि हड्डी फिल्म बाकी फिल्मों की कहानियों से कैसे अलग है। तो आइए, नमस्कार जोहार, मैं हूं रोशन कुमार। फिल्म इलाहाबाद के रहने वाले ट्रांसजेंडर हड्डी की कहानी है, जिसको परिवार और समाज से हमेशा ही धिक्कार मिला है। समाज तो उसे जिंदा भी नहीं रहने देना चाहता, पर शायद मौत उसकी किस्मत में लिखी ही नहीं थी, इसलिए मौत के करीब पहुंचकर भी वो जिंदा बच जाता है। जिंदगी जीने की चाह थी, तभी हड्डी को अम्मा का सहारा मिलता है। अम्मा ना सिर्फ हड्डी को पढ़ाती लिखाती है, बल्कि उसे अच्छा इंसान भी बनाती है। अम्मा ने लाचार हड्डी की लाइफ सेट कर दी थी, वो भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहा था। तभी उसकी जिंदगी में प्रमोद अहलावत नाम का एक राजनेता का एंट्री होता है। इसके बाद उसकी लाइफ की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है और प्रमोद एक लालची और मतलबी नेता होता है, जो अपने काले धंधे के जरिए नोएडा जैसे कई शहरों को संघाई बनाना चाहता है। प्रमोद उन लोगों में से है जो अपने फायदे के लिए लोगों की जान लेने से भी नहीं चूकता है। हड्डी और प्रमोद का पुराना इतिहास भी रहा है। अब प्रमोद हड्डी पर भारी पड़ता है या हड्डी प्रमोद पर, यह जानने के लिए तो तुम्हें फिल्म देखना होगा। फिलहाल कहानी का मेन स्टोरी यही है।